नमस्कार जय हिंद आप सभी का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है जीके के टॉप हंड्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं हंड्रेड क्वेश्चन में से अगर आप सेवेंटी प्लस का स्कोर कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप अपने सिलेक्शन के करीब हैं बस अपनी इस तैयारी को एग्जाम तक कंटिन्यू रखिए चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया अगला क्वेश्चन है आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था अगला क्वेश्चन है कार बैटरी में कौन सी एसिड का प्रयोग किया जाता है बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है अगला क्वेश्चन है प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है आपका ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा प्लूटो ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है कहां पर स्थित है बोध गया में स्थित है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए कौन सा ऑप्शन राइट right हो जाएगा छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा छिपकली के अध्ययन को हरपेटोलॉजी कहा जाता है क्या कहा जाता है हरपेटोलॉजी कहा जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पेसमेकर किससे संबंधित है बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यकृत से किडनी से हृदय से और रक्त से पेसमेकर का संबंध किससे है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा पेसमेकर का संबंध हृदय से है किससे है हृदय से है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है ऑप्शन देख लीजिए अफगानिस्तान भूटान म्यांमार और नेपाल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में कौन से वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ यानी भारत में किस वर्ष में ब्रिटिश अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा वर्ष उन्नीस में भारत आजाद हुआ और ब्रिटिश अधिनियम को क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है ऑप्शन है कलकत्ता मुंबई दिल्ली और लखनऊ ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है अगला क्वेश्चन है आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या राज्यपाल बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट right, हो जाएगा आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है भारत का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है ऑप्शन है अनुच्छेद टू थ्री वन सिक्स नंबर सी राइट हो जाएगा अनुच्छेद एक भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था ऑप्शन देख लीजिए और आंसर दीजिए 1942, 1940, 1943 और 1945। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आजाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में किया गया था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है ऑप्शन है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात और राजस्थान ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था ऑप्शन देख लीजिए एडवर्ड जेनर डब्ल्यू वाटसन डब्ल्यू सी रोइसन और रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा एक्सरे का आविष्कार डब्ल्यू सी ने किया था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि माउंट क्ली मंजारो स्थित है माउंट क्ली मंजारो कहां पर स्थित है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको बता दें कि माउंट क्ली मंजारो तंजानिया में स्थित है कहां पे तंजानिया में स्थित है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू की स्थापना किस वर्ष हुई थी ऑप्शन देख लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू की स्थापना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा वर्ष 1948 में हुई थी कब हुई थी वर्ष 1948 में हुई थी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि गोल्डन गर्ल पुस्तक पीटी ऊषा से संबंधित है किससे पीटी ऊषा से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कबको का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए कबको का अध्ययन क्या कहलाता है

प्रसारक के रूप में किसको श्रीलंका भेजा था ऑप्शन देख लीजिए उत्तरा को संगमित्रा को रक्षित को या महादेव को ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसारक के रूप में संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी बताइए अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा वर्ष उन्नीस में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी कब हुई थी वर्ष उन्नीस में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि माले कौन से देश की राजधानी है बताइए माले कौन से देश की राजधानी है ऑप्शन है लेबनान मालदीव म्यांमार और मलेशिया ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा माले मालदीव की क्या है राजधानी है किसकी मालदीव की नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है आप सभी पीडीएफ के नाम सुने होंगे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है यानी यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल क्या है बेसबॉल नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे ऑप्शन है आपका अब्दुल खान, सुभाष चंद्र बोस राम बिहारी बोस और चित्रंजन दास बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस कौन थे सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है आरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है ऑप्शन देख लीजिए मध्य प्रदेश असम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा असम में आरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको बता दें कि भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बताइए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था किसने महाराजा जय सिंह द्वितीय ने नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि है किस राज्य के लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि है यानी उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सबसे ज़्यादा क्या है प्रतिनिधि है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि टुंडरा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है टुंडरा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यूरोप में टुंडरा प्रकार की जलवायु यूरोप महादेश में पाई जाती है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उनतीसवां राज्य कौन बना है अगला क्वेश्चन है कि भारत का उनतीसवां राज्य कौन बना है बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ तेलंगाना झारखंड और उत्तराखंड ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा तेलंगाना भारत का उनतीसवां राज्य कौन है बना है तेलंगाना नेक्स्ट आरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा बताइए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है कौन सी है गुरु शिखर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है बताइए धन विधेयक कहां पेश किया जाता है ऑप्शन है, है राज्यसभा लोकसभा एवं राज्यसभा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है कहाँ पे लोकसभा में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है बताइए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को उर्ध्वपातन कहा जाता है क्या कहा जाता है उर्ध्वपातन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है ऑप्शन नंबर आपका डी राइट right हो जाएगा गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है किसका चंबल परियोजना का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया ये कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मतदान की आयु को घटाकर 21 से क्या कर दिया गया 18 कर दिया गया ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इकसठवा संविधान संशोधन में मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है बताइए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है कहाँ पे है देहरादून में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था यानी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने

अगला क्वेश्चन है कि दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित है दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दीपक कर्माकर का संबंध से है किससे है जिम्नास्टिक्स अगला क्वेश्चन है कि दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित है बताइए दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित है ऑप्शन है जिम्नास्टिक टेनिस गोल्फ और बैडमिंटन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दीपक कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक्स है किससे जिम्नास्टिक्स नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जब लिफ्ट की डोर टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा जब लिफ्ट की डोर क्या हो जाए टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या हो जाएगा बताइए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा शून्य हो जाएगा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व तो कौन सा है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व पूछ रहा है यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन कौन सा है फ्लोरीन है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है मनोज सिन्हा सुरेश प्रभु श्रीधरन और लालू प्रसाद यादव बताइए कौन सा ऑप्शन राइट right हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है किसे श्रीधरन को नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कौन सा देश है भूटान है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहां पर स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहां पर स्थित है बताइए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यह भुवनेश्वर में स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है ऑप्शन है अरस्तु दाते कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बेल्ट ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है एडम स्मिथ है कौन है एडम स्मिथ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक उपभोक्ता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है बताइए उपभोक्ता दिवस किस स्थिति को मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको बता दें कि उपभोक्ता दिवस पंद्रह मार्च को मनाया जाता है किस स्थिति को 15 मार्च को अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था ऑप्शन है अजात शत्रु कालाशोक और अशोक बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अजात शत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक मिली बार बराबर होता है एक मिली बार बराबर क्या होता है बताइए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा एक मिली होता है दस के घात दो पास्कल क्या होता है दस के घात दो पास्कल. अगला है कि काला सीसा किसे कहा जाता है बताइए काला सीसा किसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा काला सीसा ग्रे फाइट को कहा जाता है किसे कहा जाता है ग्रे फाइट को नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है चौरी चौरा कांड किस वायसराय की कार्यकाल की घटना है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि चौरी चौरा कांड लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था किसके कार्यकाल में लॉर्ड रीडिंग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी बताइए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी कौन सी थी फारसी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस हैनीमैन यक्षमा और धनुष टंकार कौन सा ऑप्शन राइट right हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा टिटनेस को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है किसके नाम से धनुष टंकार के नाम से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के शासन में, में नियमित सेना को क्या कहा जाता था शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता था क्या कहा जाता था पागा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इस्लामिया चार विचार के कानून को क्या कहा जाता था इस्लामिया चार विचार के कानून को क्या कहा जाता था ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि इस्लामिया चार विचार के कानून को सरियत कहा जाता था क्या कहा जाता था सरियत नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि श्रवन बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था सरबण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा चामुंड राय ने किसने करवाया था चामुंड राय ने नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, Next. Next है कि जयदेव किसके दरबारी थे यानी जयदेव किसके दरबार में रहते थे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जयदेव लक्ष्मण के सेन के दरबार में रहते थे किसके लक्ष्मण सेन के नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम कौन था जॉर्ज पंचम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं तो छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है सीओ क्या कहा जाता है सीओ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा सीओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया गुजरात के खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा महात्मा गांधी ने किसने किया था महात्मा गांधी ने नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बांस कौन से रूप में वर्गीकृत है बांस को क्या कहा जाता है पौधा घास पेड़ तना बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है किस श्रेणी में, में रखा गया है घास की श्रेणी में रखा गया है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली दूर है किसने कहा था निजामुद्दीन ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवती वासु नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अमोनिया शरीर से निकलने वाला सबसे विषैला पदार्थ है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा शिमला के सन्यासी के रूप में एओ ह्यूम विख्यात है कौन विख्यात है एओ ह्यूम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव भगत सिंह थे कौन थे भगत सिंह नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा फॉसिल कहा जाता है जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है फॉसिल कहा जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कि पख्तुनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है तो पख्तुनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में बताइए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा ये अफगानिस्तान में है कहाँ पे स्थित है अफगानिस्तान में स्थित है पख्तुनिस्तान क्षेत्र नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटी सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है किसे लिस्टर को नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशीय कहा गया है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकीय कहा गया है ऑप्शन देख लीजिए मेंडल कोरेंस मूलर और वाटसन कौन सा ऑप्शन राइट right हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी राइट right हो जाएगा वाटसन के द्वारा कहा गया है ये अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था यानी रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा रक्त समूह का आविष्कार लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया अगला क्वेश्चन है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चन बर्नार्ड द्वारा किसके द्वारा किया गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा विकास का सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा डार्विन द्वारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था किसने किया था मेयर ने नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा एपी उत्तक क्या होता है घाव भरने में सहायक होता है कौन सा एपी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है निम्न में से कौन शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बसा में उत्तक जो है शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है कौन सा फैटी उत्तक यानी बसा उत्तक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है यानी किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा उसे कहा जाता है नेफ्रासिस क्या कहा जाता है नेफ्रासिस कहा जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ है कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है बताइए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए क्या है डीएनए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा वाटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तो है कि माता पिता के गुणसूत्र उनके संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं तो माता पिता के जो गुणसूत्र होते हैं उसके संतानों में आपको बता दे कि गुणसूत्रों के द्वारा हस्तांतरित हो किसके द्वारा गुणसूत्रों के द्वारा हस्तांतरित होते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है क्या कारण होता है कि एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अनुवांशिकता विभिन्नता के कारण माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होती है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था किसने लेमार्क नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा किया गया था उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि मलेरिया परिजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है मलेरिया परिजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा मलेरिया परिजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोवा के श्रेणी में रखा गया है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है बताइए चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा पैरामीशियम क्या है चप्पल की आकृति का जंतु है कौन पैरामीशियम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है बताइए कौन सा ऑप्शन राइट right हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा लिस्मैनिया काला जार को उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है लिस्मैनिया नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की, कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है बताइए कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कीटों में कुल तीन जोड़ी यानी छः टांग होती है कितनी होती है छः नेक्स्ट है किस मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है तो मच्छर में लाल खून का उभर आना ये किस पर पोषण के कारण होता है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है नेक्स्ट नेक्स्ट है कि बिच्छू का विष कहाँ पर रहता है बताइए बिच्छू का विष कहाँ पर रहता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बिच्छू का विष कहाँ पे रहता है तो ये डंक में रहता है कहाँ पे रहता है डंक में रहता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निंद्रा रोग कौन सी मक्खी से फैलती है निंद्रा रोग किस मक्खी से फैलती है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा सी सी मक्खी से निंद्रा रोग फैलती किस मक्खी से सी सी मक्खी से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि तारा मछली संघ का प्राणी किस संघ का इकाई नोडर मेटा संघ का प्राणी है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है मानव के लिए कौन उपयोगी नहीं किचुआ मधुमक्खी फीता केरमी या रेशम कीट ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा फीता किरमी मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है बाकी केचुआ भी है मधुमक्खी भी है और रेशम कीट भी है सभी आपको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है तो मेढक के जो लार्वा होता है उसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है टेडपोल क्या कहा जाता है टेडपोल कहा जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन शीत रक्त प्राणी है यानी शीत रक्त प्राणी कौन सा है बताइए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको बता दें कि मछ मच, मछली छिपकली मेढक ये सभी शीत रखती है प्राणी यानी सभी का खून कैसा होता है ठंडा होता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन से फल में 25 परसेंट तक हवा होती है किस फल में 25 परसेंट तक हवा होती है बताइए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा सेब में 25 परसेंट क्या होता है उसके अंदर हवा होता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है किस सब्ज़ी को खाने से खून साफ होता है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा पपीते की सब्जी को खाने से खून साफ होता है अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद